हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनी सेंस पर। आज मैं आप सभी के सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरे पास कई टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं ट्यूबरक्लोसिस पर वीडियो बनाऊँ। तो चलिए हम आज इसी पर वीडियो बनाते हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या। हम इसको टीबी के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक तरीके का कंटेजियस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसी के बेस पर जोहान स्कोलिन ने 1834 में इसका नाम ट्यूबरकुलोसिस रखा। उससे पहले ये अलग अलग नामों से जाना जाता था। आज हम सबको पता चल चुका है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, तो क्यों ना हम इसके बारे में जान लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक तरीके का नॉन मोटाइल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जो कि एक्टिनोमाइसिटीज नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। 2 to 4 म्यू एम इसकी लेंथ होती है और 0.2 to 0.5 इसकी म्यू एम इसकी विड्थ हो सकती है। ये एक एरोब है, मतलब ऑक्सीजन होने पर ही ये सर्वाइव कर सकता है। ये एक एसिड फास्ट ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, मतलब एसिड स्टेनिंग में बहुत ही फास्ट अपना कलर शो करता है और ग्राम पॉजिटिव है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिच लिपिड सेल वॉल होती है, इसमें माइकोलिक एसिड्स होते हैं। तो बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की कि किस तरीके से ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है, क्यों ये कंटेजियस है। तो ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक दूसरे को लग सकता है, ये हम बचपन से ही जानते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू शो भी किया हुआ है कि ये कैसे एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक दूसरे में जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो पर्सन बनाने की कोशिश की है, जिसमें से जो लेफ्ट वन है वो इन्फेक्टेड है और जो राइट वन है वो नॉन इन्फेक्टेड है। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने क्या किया, समझ लीजिए, स्नीज किया या उसने खांस दिया नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर। तो जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन था उसने क्या किया, वो जो बैक्टीरिया थे वो इन्हेल कर लिए। अब हम जानेंगे कि आगे क्या होगा उसके बॉडी के अंदर अगर उसने बैक्टीरिया इन्हेल किया है। तो बैक्टीरिया इन्हेल करने पर सबसे पहले वो उसके एयर पैसेज में जाएगा। जैसे ही वो एयर पैसेज में जाएगा तो वहाँ पर या तो वो स्टक कर जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन से। अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन से स्टक कर गया तो वो जो आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या करेगी, उसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी ताकि स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू वो बाहर निकल आए। मान लीजिए वो बाहर नहीं निकल पाया तो वो कहाँ जाएगा, सीधा आपके लंग्स के अंदर एल्वेलाई में। तो जैसे ही वो एल्वेलाई में जाएगा तो वहाँ प्रेजेंट होगी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या काम करती है कि जैसे ही उनको लगता है कि भाई कोई बाहर का मटेरियल या कोई फॉरेन बॉडी आ गई है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगी, उसको पकड़ के और इंगल्फ कर लेगी और उसको डाइजेस्ट कर देगी अपने बॉडी के अंदर। अब समझ लीजिए पिंक कलर का बैक्टीरिया है और बाकी जो ब्लू कलर से मैंने बनाई वो मैक्रोफेज है। तो अब होगा क्या कि मैक्रोफेज जो है इंगल्फ कर लेगी इस बैक्टीरिया को। तो जैसे ही वो इंगल्फ करेगी तो होना क्या चाहिए कि बैक्टीरिया मैक्रोफेज की बॉडी के अंदर चला गया और लाइसोसोम के जो अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उनके मदद से वो डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रोटीन और कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो कि उसको डाइजेस्ट होने नहीं देते। तो अब वो क्या करेगा, मैक्रोफेज के अंदर ही रेप्लिकेट होने लगेगा। उसके रेप्लिकेशन के कारण आपके बॉडी के अंदर क्या चीज़ चालू हो जाएगी, आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रोवोक हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण आप सभी जानते होंगे जैसे कि जो टी सेल्स वगैरह हैं वो एक्टिवेट होगी, बी सेल्स एक्टिवेट होगी और वो एक स्ट्रक्चर जो है उसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा। तो फेज है उसके आसपास सारी सेल्स इकट्ठी होने लगेगी, साइटोकाइंस रिलीज करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर, एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे ग्रेन्यूलोमा। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रेन्यूलोमा का स्ट्रक्चर शो करने की मैंने कोशिश की है। तो हम जानते हैं कि अब लंग्स में ये कैसे क्या हो रहा है इसमें, कि ये तो मैंने बता दिया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के मदद से ऐसा ऐसा हुआ, ग्रेन्यूलोमा बना। तो अब हम जानते हैं कि लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में क्या हुआ, मैक्रोफेज था उसके अंदर बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर गया, ग्रेन्यूलोमा बन गया। तो ग्रेन्यूलोमा जो है उसकी बाहर की वॉल को हम कह रहे हैं जो, और अंदर की तरफ बनेगा केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस चीज लाइक नेक्रोसिस कह सकते हैं। केसियस टर्म कहाँ से आया, मिल्क के केसिन से। तो जो ग्रेन्यूलोमा
और केसियस नेक्रोसिस है, उन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम कहते हैं गॉन फोकस। और अब क्या होगा, हमारे जो हाइलर लिम्फ नोड्स होंगी वो भी यहाँ पर अपना एक्शन शो करने की कोशिश करेगी, मदद करेगी। लेकिन मदद करने के चक्कर में क्या होगा कि उन पर भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करने लगेगी, वही बी सेल्स टी सेल्स की कहानी चालू हो जाएगी और वो साइटोकाइंस रिलीज करके जो कहानी आपकी मैक्रोफेज के साथ हुई थी उसके आसपास सारी सेल्स जो है इकट्ठा होकर एक ग्रेन्युलोमा बना ली थी, वैसा ही काम अब आपकी लिम्फ नोड्स के साथ भी होने लगेगा। तो वो जो कंबाइंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो कंबाइंड कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, गॉन कॉम्प्लेक्स कहलाता है वो, गॉन फोकस तो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो जो गॉन फोकस प्लस वो जो लिम्फ नोड थी जो स्वेल हो गई थी वो मिलाकर क्या बना, गॉन कॉम्प्लेक्स बना। अभी जो गॉन कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या करेगा, रुका रहेगा आपके बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर, ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा, बस रुका रहेगा और कैल्सिफाई हो जाएगा एक वक्त के बाद। जैसे ही ये कैल्सिफाई होगा तो समझ लीजिए ये जो कंडीशन है आपकी बॉडी की, ये है आपकी लेटेंट टीबी की कंडीशन। मींस ये आपके बॉडी में एक्टिव नहीं है, लेटेंट है, कहीं छुपी हुई बैठी है। तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा, जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, जैसे कि एड्स में हो सकता है या आपकी ओल्ड एज के साथ हो सकता है, तो ये टीबी तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा और ये जो आपका गॉन कॉम्प्लेक्स जो कैल्सिफाई हुआ था वो क्या करेगा, ओपन अप होना चालू होगा और उसके अंदर से जितने भी बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे आपके जो आपका लंग्स हैं, लंग्स के अपर लोब्स की तरफ मूव करेगा। और वो अपर लोब्स की तरफ ही क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक तरीके का एरोब है, वो वहाँ ही अलाइव हो सकता है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अपर लोब्स में ऑक्सीजन टेंशन ज़्यादा रहेगा, एक्चुअली कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा फैलेगी। अब क्योंकि ये आपके लंग्स के अपर लोब्स में तो जा ही चुका है, तो ऐसे धीरे धीरे जैसे कि मैक्रोफेजिस का अटैक हुआ था, ग्रेन्युलोमा बना था, केशियस नेक्रोसिस बना था, वो चीज़ जो कि आपके लंग्स के लोअर पार्ट में हुई थी अब वो अपर पार्ट में और तेज़ी से होने लगेगी, क्योंकि इन्वेजन हो जाएगा आपके सारे ये बैक्टीरिया का। तो अब क्या होगा, अब ये जो पर्सन है जिसके लंग्स में ये सब हो रहा है वो इन्फेक्टेड वो है ही, साथ ही साथ वो क्या करेगा, दूसरे को भी इन्फेक्शन अब फैला सकता है थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। तो अब ये जो साइकिल है ये इसी तरह चलता रहेगा। अब इसमें हो क्या सकता है कि जब आप ये जो ट्यूबरकुलोसिस जो लेटेंट था, जैसे ही वो दूसरी तरफ फैलने लगे, दूसरे आपके ऑर्गन्स तक या लंग्स में ही वो स्प्रेड होने लगे, तो वो एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी टीबी की। प्राइमरी टीबी में क्या होगा, ये वो कंडीशन है जब सिर्फ आपका जो इन्फेक्शन है उसने ग्रेन्युलोमा तक बनाया है और वो कैल्सिफाई हो चुका है, वो जो पूरी कंडीशन है लेटेंट टीबी तक की वो क्या है, प्राइमरी टीबी कहलाएगा। प्राइमरी टीबी में क्या होगा, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि कफिंग हो सकती है, फ्लू हो सकता है थोड़ा बहुत, और इसमें प्राइमरी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, मींस वही गॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लिम्फाडीनोपैथी हो सकती है, लिम्फ नोड स्वेल हो सकती है, फिर ये धीरे धीरे माइलियरी भी बन सकता है, मेनिनजाइटिस कर सकता है अगर ये माइलियरी हो जाता है तो। और इसके अलावा इसमें क्या होगा कि जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है माइलियरी टीबी, जिसको हम मिलियरी माइलियरी जैसे कि आपको प्रोनंस करना है वो आपकी मर्जी है। तो इसमें क्या क्या होगा, फीवर होगा, नाइट स्वेट्स होगा, और एनोरेक्सिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, इसके अलावा हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो सकता है, जो चेस्ट एक्सरे है उसमें 1 to 2 mm के लीजन्स दिखाई देंगे जिनको हम मिलेट सीड्स बोलते हैं, एनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है। और ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, क्यों, क्योंकि जो जो आपका गॉन कॉम्प्लेक्स था जो कैल्सिफाई हो चुका था वो अब समझ लीजिए फट चुका है और उसके अंदर से सारा जो बैक्टीरिया है वो आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक जाने लगा है, इसलिए अलग अलग ऑर्गन्स पे भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट प्राइमरी टीबी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है एक्सोजीनस, एक हो सकता है एंडोजीनस। मतलब मान लीजिए आप एक ऐसे पेशेंट हैं टीबी के जो ठीक हो चुके हैं दवाओं के मदद से, लेकिन अब आपको फिर से उसका इन्फेक्शन हो गया। तो ये इन्फेक्शन दो तरीके का हो सकता है कि या तो वो एक्सोजीनस है, मीन्स आपने
कहीं और से इन्फेक्शन लगा लिया है, मतलब किसी और पर्सन के वजह से आपको इन्फेक्शन लग गया, वो हो गया एग्जोजीनस। एंडोजीनस बोले तो आप ही के बॉडी के अंदर कहीं वो इन्फेक्शन छुप के बैठा था और अचानक से वो वॉयलेंट हो गया, तो उसे हम कहेंगे एंडोजीनस। तो दो तरीके हो गए पोस्ट प्राइमरी टीबी। ओके, तो अब इसके बाद होगा क्या कि सिम्टम्स में लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, नाइट स्वेट हो सकते हैं, फीवर, मैलेज, नेक्स्ट क्या है, कैविटेशन। कैविटेशन मतलब क्या, जो केसियस नेक्रोसिस बनेगा ना आपके अपर लोब्स में, तो वो कैविटीज फॉर्म करेगा, उसको हम कहते हैं कैविटेशन। इसके अलावा क्या हो सकता है, ट्यूबरकुलस एनीमिया भी हो सकता है और निमोनिया भी हो सकता है। तो ये सारे हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो ये थी हमारी वीडियो पार्ट नंबर 1, तो जिसमें हमने बात किया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और इसकी थेरेपी जो कि इसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है उसके बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ कुछ समझ में आया और बहुत ईजी लगा हो, तो समझने में ईजी लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल एडिल्यूमिनेसेंस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।